अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और सबकी फेवरेट है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। सबके मुंह में पानी आ गया होगा यकीनन। बहुत सिंपल सी रेसिपी, झटपट बनने वाली। हमारे पास मैदा रखा हुआ है, ये है 4 कप्स। इसके अलावा हमारे पास है ऑयल 2 टेबल स्पून, 1 egg, फिर हमारे पास शुगर है 2 टेबल स्पून, और मैंने दानेदार ही चीनी ली है। इसके अलावा 1 teaspoon सॉल्ट हमारे पास रखा हुआ है। नेक्स्ट इज मिल्क पाउडर, ठीक है, ये पाउडर मिल्क हमने लिया 2 टेबल स्पून। और लास्ट इज एंड नेसेसरी इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट है 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अपने फ्लावर के अंदर डाल देंगे। ईस्ट चले गया, पाउडर मिल्क चले गया, शुगर एंड सॉल्ट चले गया। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की। हमने इसके अंदर एग डाल दिया और इसके अलावा हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। बेकिंग वर्ल्ड में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमेशा आपको हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर यूज़ करनी है। एग भी हमने लिया तो फ्रिज का ठंडा एग नहीं है, बल्कि इट्स ऑन रूम टेम्परेचर। अब ये सारी चीज़ें हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इस डो को आपको नीट करना है नीम वार्म वाटर, ठीक है। नीम गर्म पानी से हमें इसको गूंदना है। नीम गर्म पानी की वजह से ईस्ट जो होता है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और हमारा डो फ्राई हो जाता है। वाटर की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, जितना हमें ज़रूरत होगी हम डालेंगे। हमें बहुत अच्छा सा सॉफ्ट डो गूंदना है। जितना सॉफ्ट डो होगा आपका, इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप इजीली इसको हैंडल कर सकें, ठीक। जितना सॉफ्ट होगा उतना अच्छा आपका सॉफ्ट पिज़्ज़ा का ब्रेड बनेगा। हमारा फ्लावर जो है, अब देखें डो की फॉर्म में आ गया, बट स्टिल ये बहुत स्टिकी है, तो अब मैं हाथों पे ऑयल लगा के इसको नीट करूँगी और ये परफेक्ट डो की फॉर्म में आ जाएगा। स्मूथ डो जो है वो रेडी हो चुका है। डो को 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये जो बाउल है इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब डो को मैं इसमें रखूँगी और इसको किसी वार्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है एडजस्ट का, वो डो को राइज होने में मदद करता है। आप इसे किचन कैबिनेट में रख सकते हैं या ओवन में रख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ओवन ऑन नाउ, ठीक है। एंड 1 घंटे बाद चेक करते हैं। हमारा डो राइज हो रहा है, हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा की फिलिंग की तरफ। यहाँ पे मेरे पास चिकन क्यूब्स रखे हुए हैं जो मैंने लिया 250 ग्राम, और मैंने छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लिया है। और कुछ मसाले मेरे पास रखे हुए हैं, जिनके अंदर हमारे पास है 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट। इसके अलावा हमारे पास है 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। ये सारे मसाले हम चिकन के अंदर डाल देंगे और चिकन को हम मैरिनेट करके रख देंगे 1/2 आवर के लिए। और इस चिकन को हमें बस जल्दी से स्टर फ्राई करना है, 10 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे और हमारे जो चिकन की ये फिलिंग है ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ एक और इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर डालना है, दैट इज़ येलो कलर, ठीक है। येलो कलर के आप 1 ड्रॉप इसके अंदर डाल दीजिए ताकि चिकन में बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। चिकन को हम फ्राई करेंगे, इसके बाद हमें इसको कोयले का धुआं देना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इसके अंदर बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए, क्योंकि हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है बन रहा है। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया और इसके अंदर हमने चिकन डाल दिए। अब इस चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। मैरिनेशन का हमने इसको टाइम दिया था 1/2 आवर का, अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए। जी, तो हमारी चिकन जो है फ्राई हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट एंड टेंडर है। अब हम इसको कोयले की स्टीम दे रहे हैं ताकि इसके अंदर परफेक्ट बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। इसको हम कवर करके रख देंगे दोबारा से 10 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छी तरह से स्टीम चिकन के पीसेस में आ जाए। ओके, तो हमारा डो देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त राइस हुआ है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से पंच डाउन कर दूँगी, फिर हम इसको अपने पिज़्ज़ा पैन के ऊपर फैला लेंगे।
ओके, अब हम इसके ऊपर अपनी मोज़रेला चीज़ जो थी वो भी डाल देंगे। ठीक, अच्छी तरह चीज़ डालें आप इसके ऊपर। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ऑफकोर्स जितनी ज़्यादा चीज़ होती है उतना ज़्यादा मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। अच्छा, इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे दैट इज़ ऑरिगेनो लीव्स। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इससे बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा में फ्लेवर आता है। ऑरिगेनो का पाउडर भी मिलता है, बट आई हैव यूज ऑरिगेनो लीव्स, और आप लोग से भी मैं यही कहूँगी ऑरिगेनो लीव्स यूज़ करें, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। ठीक है, हमने कुछ ऑरिगेनो लीव्स जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, और लास्ट में हम थोड़ा सा सॉल्ट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और पिज़्ज़ा को हम बेक करेंगे 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फॉर अबाउट 20 मिनट्स। ठीक, 20 मिनट्स में उसका जो नीचे की लेयर होगी उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आ जाएगा। तो आर यमी पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू सर्व। मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से कट करके फिर आपको दिखाती हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत मज़ेदार बनेगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।